अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माजिका किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही कम बजट में वाइट पुलाव, जो कि आप घर में आराम से आसानी से बना सकते हैं और घर के चंद मसालों से बना सकते हैं। तो इसको टेस्ट करेंगे, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैं आपको बताऊँगी, आइडिया भी दूँगी कि आप इसको लो कॉस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं अपने किचन की तरफ। अब बनाते हैं आज की रेसिपी को, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये मैंने लिया है एक कप ऑयल, जो कि एक पाव के करीब होगा, क्योंकि एक किलो में एक पाव ऑयल लाजमी डलेगा, वरना आपके चावल अच्छे नहीं बनेंगे। इसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई करना है लाइट से कलर में। प्याज भी हम कम लेंगे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रेट हैं प्याज के भी, तो हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम बहुत कम मसाले ऐड करेंगे। तो ये जब प्याज हमारा अच्छा सा फ्राई होने लगेगा, तो अब इसके अंदर हम जो हमारे घर के अंदर साबुत गरम मसाला होता है, उसमें आप अंदाज़े के मुताबिक अपने घर में से थोड़ी सी 10-12 काली मिर्चें, 4-5 लौंग, 2-3 दालचीनी के स्टिक्स, 1-2 बड़ी इलायची और 1-2 पत्ते तेज़ पत्ते के डाल दीजिए। तो 1-2 बड़ी इलायची डाल दीजिए। तो ये हमारा गरम मसाला हमने डाल दिया, क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं, कोई दावत के लिए नहीं बना रहे हैं। तो मैंने आपको वो रेसिपी दे रही हूँ जो बहुत ही लो कॉस्ट हो। ठीक है, अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, वो भी 1 चम्मच है, भर के आप इसमें ऐड कर दीजिए। और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई हरी मिर्चें। तो ये अब हम इसमें दही ऐड कर देते हैं, 1 किलो में 1 पाव दही। अब हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हम तेल के अंदर या तेज़ आंच के ऊपर दही को ऐड करते हैं तो दही फटने का डर होता है। तो आप एक तो अपने फ्लेम को लो कर दें, और उसके बाद आप उसको चमचा हाथ के हाथ चलाएंगे, वरना दही फट जाता है। अब इसके अंदर 15 हरी मिर्चें, जो कि मैंने इसमें पीस कर डाल दी हैं, और चिकन, हाँ चिकन की बात आ जाती है, तो चिकन आजकल बहुत महंगी है, तो मैंने कहा लो बजट में, तो आप ऐसा करें कि आप चिकन के बाजू ले लें, वो एवरेज में होते हैं। तो मैं घर के हिसाब से बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको लो कॉस्ट में बता रही हूँ। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर उस ये बिरयानी मसाला है, जो कि मैंने 1 चम्मच ऐड किया है, घर का बना हुआ है, तो वो आप इसमें ऐड कर दें। बस ये हमारे स्पाइस थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और नमक आप हंसबे जायका। बस कितने कम मसाले थे, आप ये देखें कि हमारे कितने कम बजट में बनने वाला ये वाइट पुलाव है। और ये ऐसा पुलाव है कि जिसे मैं सोच समझती हूँ कि बिगनर्स जो लड़कियाँ होती हैं, जो कुकिंग सीख रही होती हैं, वो भी बना लेंगी, और जब बनाएंगी तो वाकई सब इनकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें, हमारा ये भुन चुका है चिकन के साथ। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो बिगनर्स के हिसाब से मैं पानी आपको बता दूं जो आपका परफेक्ट रहेगा, तो आप इसके अंदर 1250 ml ऐड करेंगे 1 किलो चावल में। और 1 किलो चावल आप इसको भिगो कर रख दें 2 घंटे तक सेला राइस, तो वो बच्चे भी बना लेंगे। ठीक है, 1 अदद नींबू मैंने इसमें ऐड किया है, चंद पत्ते मैंने इसके अंदर पुदीने के ऐड किए हैं, और ये मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ घर के लिए जो हम बना रहे हैं। तो ये चावल भी मेरे कम बजट वाले हैं, क्योंकि एक जो होते हैं सेला राइस वो 300 रुपये किलो हैं, और ये जो सेला राइस हैं ये 200 रुपये किलो हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ प्राइस भी बताती जा रही हूँ कि आप जाएँ मार्केट तो ईज़िली आप दुकानदार को बोल सकते हैं कि आप मुझे कम रेट वाले दे दीजिए। क्यों हम पीछे रहें, हम भी पुलाव बनाकर खा सकते हैं, कम बजट में खा सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार हो सकती है। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारा पुलाव मज़ेदार किस्म का तैयार हो चुका है, जिसमें से बड़े ज़बरदस्त से धुएँ निकल रहे हैं। और इसके अंदर आप थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर लें दम पे लगाते हुए, अजीनोमोटो डाल दें, चाइनीज़ सॉल्ट, और बस फिर इसको आप दम पे लगा दें 15 मिनट के बाद। फिर अब इसको हम डिश आउट करेंगे अपनी प्यारी सी प्लेट के अंदर। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। वैसे तो आप बहुत मोहब्बत से मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जिन्हें देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, और दिल करता है और अच्छा काम करने के लिए, और मोटिवेशन मिलती है। तो ये देखें, माशाल्लाह हमारी ये पुलाव डिश आउट हो चुका है और ये खाने के लिए तैयार है। इसको आप रेसिपी को ट्राई करें, और आज मेरे कहने पर ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी थी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मुलाकात होगी एक आसान सी रेसिपी के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.